सुबह हो चुकी है, सुबह के हो रहे हैं 8:15। मैं हूँ टी जी गढ़वाल चंबा में। आज का वेदर कुछ ऐसा है, मौसम खुल गया पूरा। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज है नई सुबह और हम हैं टी जी गढ़वाल चंबा में। तो अभी आए हैं हम नाश्ता करने, मैं, दवाई और अंकल जी सामने। तो अभी नाश्ता कर रहे हैं, फिर नाश्ते के बाद देखेंगे दिन भर में क्या होता है। और आज प्लान है थोड़ा कहीं घूमने जाने का, न्यू टी जी की तरफ, तो वहाँ एक्सप्लोर करेंगे। तो वेट कीजिए और चलते हैं आज। अभी नाश्ता कर लेते हैं, सुबह के बज रहे हैं, 9:20 बज रहे हैं सुबह के। तो चलते हैं फिर चंबा से और देखते हैं क्या होता है पूरे दिन में। अपना पहाड़ी रेस्टोरेंट, पहाड़ी ढाबा। तो यहाँ पे भी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट और हमने ऑर्डर किया है बंद ऑमलेट, हमने ऑर्डर किया है। तो ये है बंद ऑमलेट अपना आ गया है। सामने अंकल जी है, इधर अंकित है और ये मेरा पुराना ऑमलेट है। तो जल्दी से इसे खा लेता हूँ। तो नाश्ता हमने कर लिया था और अंकल जी को हम ड्रॉप करके आ गए हैं। अभी अंकल जी चले गए हैं अपने ऑफिस, तो उनको हमने ड्रॉप कर दिया है। बाकी बाइक कर दी पार्क, अभी चलते हैं रूम में, फिर करते हैं आगे का प्लान, क्या कहाँ जाना है, किधर जाना है। एक भाई के साथ जाएंगे हम अभी, तो मिलते हैं अभी थोड़ी सी देर में बस। तो गाइस 11 बज चुके हैं, तो अभी हम वेट कर रहे हैं भाई का, जो भी आएंगे तो हम उनके साथ जाएंगे, फिर टिहरी झील जो भी है उस तरफ जाएंगे। थोड़ा मैं अपने काम से भी यहाँ पर आ रखा था, थोड़ा बहुत घूम भी लूँगा और एक्सप्लोर भी कर लूँगा जगह। तो अभी मैं न्यू टिहरी की तरफ जा रहा हूँ। अभी वो भाई आएंगे, उनका वेट कर रहे हैं नीचे, तो फिर चलते हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक बने रहें ब्लॉग में और ब्लॉग को लाइक करना मत भूलिएगा। तो ये हैं हमारे शरद भाई। तो शरद भाई हमें दिखाने वाले थे आज, बट अभी थोड़ा काम पड़ गया शरद भाई को, फिर हम चलेंगे थोड़ी देर में, मिलेंगे आधे घंटे में, है ना। फिर हम चलते हैं, ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में, आधे घंटे बाद शरद भाई हमको दिखाएंगे टिहरी झील की तरफ, तो वहाँ मिलते हैं। तब तक हम चलते हैं। ऐसे पहाड़ आपको उत्तराखंड में मिलेंगे और तो हिमाचल में मिलेंगे, क्या मज़ा है हमें आने का। क्या हवा चल रही है, वेदर इतना अच्छा हो रहा है आज का, मज़ा आ गया। हल्की हल्की धूप खिली और प्यारी सी हवा चल रही है, ठंडक बनी हुई है मतलब बिल्कुल। ये चंबा की तरफ का हिस्सा और चंबा से जो रोड जाती है उत्तरकाशी की तरफ, वो पूरा दिखाई दे रहा है एरिया आपको, बहुत ही सुंदर क्या जगह है। और चीड़ के पेड़ तो मेरा मन हो लेते हैं। और जय बजरंगबली हनुमान जी का। तो गाइस अभी हम निकल गए हैं टिहरी रोड की तरफ, टिहरी झील की तरफ। तो ये रूट जा रहा है टिहरी झील की तरफ और मौसम बहुत ही अच्छा, मज़ा आ गया। यहाँ से आधा घंटा लगेगा हम उधर जाने के लिए, और चंबा से मतलब हम पकड़ा हमने भी है टिहरी झील का। ये है आपका न्यू टिहरी, पूरा बसा हुआ और बहुत ही अच्छा सा व्यू दिखा हमने, कहा आपके लिए शॉट बनता तो है। और क्या व्यू है देखो, क्या सुंदर नज़ारा। और नीचे की तरफ उस तरफ झील है उसके, और ये पूरा न्यू टिहरी है जो पूरा बसा हुआ है। न्यू टिहरी मार्केट कुछ ऐसा शानदार, अच्छा सा, आप पता नहीं कितने किलोमीटर है। और मौसम हो गया बड़ा ही अच्छा, सुबह से मौसम आज काफ़ी अच्छा है, मौसम आज बारिश वरिश का लग नहीं रहा, खुला हुआ है काम। कल देहरादून में बारिश थी और चंबा में जब हम आए तो बारिश नहीं हुई, चंबा से नीचे नीचे बारिश थी, चंबा के ऊपर आया तो बारिश थी नहीं बिल्कुल, ऐसा लगे ना कि यहाँ बारिश हुई। यहाँ से गैस पूरी झील दिख रही है आपको, वाह क्या व्यू है, मजा आ गया। तो लाइक तो बनता है इसमें, लाइक कर देना गाइस। अभी हम वेट कर रहे हैं शरद भाई का, तो अभी आया नहीं है, रोड के किनारे रोड साइड पे बैठे हैं। पीछे नज़ारा कुछ इस तरफ टिहरी झील है नीचे, तो शरद भाई भी आए नहीं, उनका वेट कर रहे हैं। तो जैसी वो आते हैं फिर हम आगे की
कंटिन्यू करते हैं थोड़ा जर्नी और देखते हैं आगे क्या क्या करने को, क्या क्या देखने को नीचे। चलिए मिलते हैं। तो यहाँ से पौड़ी पड़ता है आपका 109 किलोमीटर, कीर्ति नगर 75 किलोमीटर और कुट्टा 1 किलोमीटर, नहीं कुट्टा नीचे हमें जाना है, तो उसी गांव में नीचे चलेंगे। चलो भाई हमारे सामने है एशिया की सबसे बड़ी डैम के ऊपर बनी हुई झील। नीचे आपके चीड़ के पेड़ बहुत प्यारे प्यारे, अकेले में एक घर सा बना हुआ है, बड़ा शांति पीस। और ऐसा कुछ है ये टिहरी झील का दृश्य, और सामने आपको बोट दिख रही होगी चलते हुए। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के उड़ के उड़नी गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। बहुत पहले हम इधर गए थे इस वाली मार्केट में, अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, पीछे मुड़ पीछे मुड़ पीछे मुड़। अरे शरद भाई आ गए हैं, हमें आवाज़ लगा दी है, अभी तो हो जाता काम, अभी छूट जाते हैं बाइक में से। अरे कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, हम तो यार नीचे देख के आ गए पूरा नीचे का, तुम करा पूरा। हाँ मैंने देख लिया नीचे काफ़ी रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग कर ली। आगे के साइड भी कहते हैं नीचे, उससे एक गाँव और पड़ता है एक, तो तुम यहाँ से एक जा, कौन सा नाम था वो जाक करके कुछ ऐसे कुछ था। हाँ वहाँ तक गए थे, वहाँ तक गए थे पहली वाली रोड में नहीं, नहीं उसी रोड पर जो चल रही है नीचे नीचे जहाँ पे ब्लैक कलर का वो था पूरा। हाँ उसी में गए। तो न्यू टिहरी से मैं शरद भाई के साथ शरद भाई की गाड़ी में ही आया, और शरद भाई हमको ले गए एक बहुत ही प्यारी सी लोकेशन पे जो काफ़ी हाइट पे पड़ती है, और वहाँ से चंबा का बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखता है। और ये जगह चंबा से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है, और इस बीच अंकित बाइक से हमें फॉलो करता हुआ हमारे साथ ही था। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी। तो अभी शरद भाई के साथ हम आए हैं, और शरद भाई हमें लेके आए हैं यहाँ पे शानदार जगह। देखो आप क्या खुला हुआ है, और बिल्कुल हवा चल रही है जबरदस्त। ठीक है थैंक यू शरद भाई ये जगह दिखाने के लिए। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के उड़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। तो
अब हमने रूम छोड़ दिया है अंकल जी का। अंकल तो वन दिन क्या रह रहे थे अंकल के साथ, तो हम तो रूम छोड़ के आ गए हैं। तो अब हम जा रहे हैं नीचे देहरादून की तरफ, और शरद भाई को भी हमने अलविदा कह दिया था। शरद भाई ने हमें बहुत सी लोकेशन दिखाई, शायद मैं आपको ज़्यादा ना दिखा पाया हूँ, बड़ी बात है। चल रहे हैं तो देहरादून की तरफ, काफ़ी टाइम हो गया, 4 बज गए हैं, तो 6 बज जाएंगे देहरादून जाते आते। देखते हैं अभी लंच भी नहीं किया है, अब लंच भी करना है, लंच का भी देखते हैं हम कहाँ करेंगे। चंबा की तरफ बढ़ते हुए हम नीचे टीरी नई टीरी से होके आ गए हैं चंबा। चलते हैं फिर, ठीक है अंकल, चलो ठीक चलते हैं फिर। ठीक है, ठीक है। तो अंकल जी को हमने दे दिए चाबी, हैंड ओवर कर दिए, अब हम जा रहे हैं ठीक है ठीक घर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अंकल। हाँ आना, कोई नहीं, ठीक है अंकल भाई, दे देना। तो हम चल रहे हैं देहरादून की तरफ, चाबी चुबी देखिए अंकल जी को। अभी तक यार 4 बज गए, बताओ अब लंच करेंगे हम। देखते हैं लंच करके ही करते हैं लंच, अगर टाइम मिलता है तो चलते हैं लंच करते हैं, भूख लग गई यार बहुत। तो फाइनली लंच के लिए रुके हैं अभी इस जगह पे, और रेस्टोरेंट है ग्रीन हिल रेस्टो, ग्रीन हिल रेस्टो जो कि चंबा रोड पे पड़ता है, वहाँ पे अभी रुके हैं और लंच कर रहे हैं हम। पता है कितने बजे? 4:30 बजे। लंच करने का टाइम नहीं मिल पाया, ऊपर थोड़ा बिजी हो गए थे तो काम को में, तो अब कर रहे हैं लंच। और यहाँ पे भी जहाँ लंच कर रहे हैं नीचे का व्यू देखो आप, ऐसा कुछ नज़ारा था बाहर का, पीछे के साइड बैक साइड का, और ये फ्रंट रोड इधर है। और अभी हम करेंगे लंच, लंच के बाद मिलते हैं फिर आपको। तो लंच कर लिया हमने और हम चले गए हैं यहाँ से, अब चल दिए हैं इसी भी जाएगी 38 किलोमीटर, और देहरादून यहाँ से लेकर 69 किलोमीटर। तो गाइज़ अभी हम देहरादून की तरफ जा रहे थे, तो ये ऋषिकेश का बहुत ही प्यारा व्यू दिखा यहाँ पर हमें, ये देखो पूरा ऋषिकेश दिख रहा नीचे, ये है ऋषिकेश का व्यू कंप्लीट। पहुँच गए हैं फाइनली, और यहाँ पे इतनी गर्मी है ना क्या बताऊँ, पहाड़ों में इतना मज़ा आ रहा था उसका, चंबा की तरफ यूटेरी की तरफ, और यहाँ देखो क्या मुसड़ मची हुई है, इतनी गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, डाली डाली फूलों की, तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए। सामने आ गया है टोल प्लाजा, इसी के साथ करते हैं ब्लॉग क्लोज, और देहरादून पहुंच गए, तो फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना यार, ठीक है, ताकि चैनल को नोटिफिकेशन मिस ना हो। और तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, आसपास लोगों का ख्याल रखें। दिस इज गैरी साइनिंग ऑफ।